हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुकन्या श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 का को करिकुलर कोर्स, जिसका नेम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो फ्रेंड्स, ये बीए फोर्थ सेमेस्टर माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का है। तो आइए इसके आंसर की चेक करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, द गोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल स्टिमुलेशन एंड इमोशनल बैलेंस। ओके, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा संबंधी मिथ्या धारणाएं में क्या नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर भी डी हो जाएगा, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा फिटनेस का स्वास्थ्य संबंधी घटक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शारीरिक संरचना, ए। फोर्थ हमारा क्वेश्चन दिया है, सुयोग्यता की अवधारणा में क्या सम्मिलित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी शारीरिक आयाम, भावनात्मक आयाम, बौद्धिक आयाम। आगे बात करते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की, तो दिया हुआ है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण या स्टेप होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर भी डी हो जाएगा, 12 होते हैं। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, संस्कृत। सेवन्थ क्वेश्चन दिया है, कौन सा खेल भारत का परंपरागत खेल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बास्केटबॉल। एट्थ क्वेश्चन है, परंपरागत खेलों के लाभ हैं। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी, यानी कि स्पर्श शरीर, देश की संस्कृति को संरक्षित करना और मनोरंजन भी। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन दिया है, टीम स्पोर्ट्स में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एक टीम में कई खिलाड़ी। दसवें नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुराग ठाकुर। इलेवन नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, योग में वैकल्पिक नथुने से सांस लेने का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुलोम विलोम। बारहवें नंबर का क्वेश्चन दिया, आसनों के अभ्यास के दौरान क्या महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि स्थिरता, आरामदायक एवं सहजता। तेरह नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश ऊर्जा की एक इकाई है जो भोजन से निहित ऊर्जा की मात्रा को इंगित करती है, यानी ऊर्जा की इकाई क्या होती है, कैलोरी। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, एक आहार संतुलित होता है जब वह होता है किसी व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार, यानी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान का उद्देश्य है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कोच तैयार करना। 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1984। 17 नंबर का क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यौगिक क्रियाएं, जल क्रिया, खेल तथा खेलकूद। 18 नंबर का क्वेश्चन है, आत्मरक्षा में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मार्शल आर्ट। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को चार्ल्स ए भूचर ने कितने भागों में बांटा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया है, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति में मोटर गतिविधि को केंद्रित करने वाले अनुभवों के कारण होने वाले परिवर्तनों का योग है, यह किसका कथन है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रोजा लिंड कैसिडी। 21 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किसका उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शारीरिक शिक्षा। सुयोग्यता के महत्व में क्या शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवसाद का शिकार बनना। आगे हम देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है, शरीर के दो एवं दो से अधिक भागों को एक साथ प्रयोग करने की क्षमता कहलाती है समन्वय, यानी कि कोऑर्डिनेशन। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सुयोग्यता प्रभावित होती है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी जलवायु और लिंग दोनों। 25 नंबर का क्वेश्चन है, शारीरिक पुष्टि क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऊर्जा में वृद्धि के लिए, समग्र स्वास्थ्य के लिए। 26 नंबर का क्वेश्चन है, लोच को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लचीलापन। आगे बात करते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन की, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड शायद से अष्टांग योग होगा, राजयोग को क्या कहा जाता है। ओके, वैसे ये डाउटफुल है क्वेश्चन।
28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ योग का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, खुद को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया। धनुरासन के क्या फायदे हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, या गले को नई ऊर्जा देता, या ट्यूमर को ठीक करता, या पेट की परेशानियों से राहत दिलाता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ही इसके फायदे होते हैं। 29 के बाद 30 नंबर का क्वेश्चन दिया, योग सकारात्मक स्वास्थ्य में कैसे मदद करता है, तो इसका क्वेश्चन देखते दिया हुआ, यह भावनाओं के नियमन में मदद करता है, या चिंता और असुरक्षा को कम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए, फर्स्ट और सेकंड दोनों इसका करेक्ट आंसर है। 31 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश एक प्राचीन विज्ञान है जो शरीर मन और आत्मा के बीच तालमेल बैठाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, योग। मनोरंजक खेलों से क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि खाली समय का सदुपयोग होता है, ऊर्जा का पुनः निर्माण होता है, और तनाव में कमी भी होती है। आगे बात करते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन की, तो दिया है मनोरंजक खेल तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी उम्र एवं लिंग का, सुरक्षा का भी, और नियमों की सादगी का, यानी इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एरोबिक व्यायाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी दौड़ना और साइकिल चलाना दोनों ही। फिट इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ, 2019 में शुरू हुआ। जुम्बा होता है, एक नृत्य होता है, ओके। 37 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1900। 38 नंबर का क्वेश्चन है, किस मुगल शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने पर हुई, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 39 नंबर का क्वेश्चन है, मुगल काल में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो युद्ध कौशल की निपुणता हासिल करना ही इसका करेक्ट उद्देश्य था, ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 40 नंबर का क्वेश्चन दिया, हिंदू काल में किन जानवरों की लड़ाई प्रचलित खेलों में शामिल थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मुर्गा। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि महाभारत काल में प्रचलित था कौन सा खेल, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी चौपड़। 42 नंबर का क्वेश्चन है, भोजन का कार्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि निर्माण करना, मरम्मत करना, शारीरिक प्रक्रिया का नियमन करना, सभी। 43 नंबर का क्वेश्चन है, पानी की भूमिका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोशिकाओं को हाइड्रेट करने में। 44 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, दिया हुआ उत्तम स्वास्थ्य को निर्धारित करने हेतु व्यक्ति को प्रतिदिन सामान्य रूप से कितने मिनट तक व्यायाम करने की सलाह दी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 से 40 मिनट, यानी करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से घटक स्वस्थ जीवन शैली में संबंधित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी, सामाजिकरण, सुरक्षित पर्यावरण, स्वस्थ आहार, सभी। 46 नंबर का क्वेश्चन है, स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति की क्या होता है, तो इस उपयुक्त सभी होते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है, और बीमारी का खतरा भी घटता है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, योगाभ्यास के लिए पोशाक कैसी होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ढीली और आरामदायक। 48 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है डैश को आराम मुद्रा भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुखासन। 49 नंबर का क्वेश्चन है, प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और लास्ट वाला आप बताएंगे क्या होता है, समाधि। 50 नंबर का क्वेश्चन है, योग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक साथ जुड़ना। 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, योग के 8 घटक हैं जिन्हें जीवन के अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, उनमें से 5 है, अन्य 3 कौन कौन से हैं, यानी अभी मैंने आपको बताया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएम, धारणा, प्रत्याहार। विषम का पता लगाना है 52 में, तो जो ये नए ये गेम्स हैं, ये आउटडोर गेम्स आप देख सकते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल, जबकि शतरंज जो है वो इनडोर गेम्स है, ओके, तो इसलिए ये कैसा है, ऑड है। 53 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, गलत मिलान का पता लगाएं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी पारंपरिक खेल, वे खेल जिनकी उत्पत्ति विदेशों में ही, ये गलत है, ओके। 54 नंबर का क्वेश्चन है, एरोबिक व्यायाम का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हृदय से। 55 नंबर का क्वेश्चन दिया है, हम राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाते हैं,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 29 अगस्त। 56 नंबर का क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक गतिविधि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ए यानी कि मानसिक समस्याओं से बचाती हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विपणन क्षमता से यानी मार्केटिंग से, इसका कोई भी संबंध रिलेशन नहीं है। 58 नंबर का क्वेश्चन है, मशीनों पर बहुत अधिक निर्भरता एक आदमी को क्या बनाती है, ना तो बुद्धिमान बनाती है, न मजबूत न बलवान बनाती हैं, और ना ही शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट बनाती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि शारीरिक रूप से कमजोर। रामायण काल के खिलाड़ी थे फ्रेंड्स, इसका तो मुझे लगता है डी ऑप्शन है, वैसे यूनिवर्सिटी देखते हैं क्या करती है। 60 क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वैदिक काल में। 61 नंबर का क्वेश्चन है, मोटापे में क्या बढ़ता है, तो इसमें वसा ऊतक बढ़ते हैं, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा हड्डी पानी और मांसपेशियों का प्रतिशत क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि शारीरिक शरीर संरचना। 63 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि शरीर के विभिन्न भागों में शुगर पहुंचाना। 64 नंबर का क्वेश्चन है, जीवन शैली शब्द में सम्मिलित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि आदतें। आगे बात करते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन की, तो दी भाई किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, योगा का पेपर हो और ये क्वेश्चन ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी 21 जून, जो कि आप सबको पता होगा। 66 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि वज्रासन यानी कि पत्थर, क्योंकि जो भुजंगासन होता है वो सर्प के आकार का होता है, जो नौकासन होता है वो नाव के आकार का, और हलासन जो होता है वो हल के आकार का होता है, वज्रासन जो होता है वो पत्थर के आकार का नहीं होता है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि जो वज्रासन होता है वो किस आकार का होता है, कि मतलब कैसा लगता है वो। 67 नंबर का क्वेश्चन है, खो खो की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि भारत। कंचे का आकार कैसा होता है, अगर आपने बचपन में खेले होंगे तो आपको पता होगा, इसका करेक्ट आंसर होता है ए यानी कि गोल होता है। 69 नंबर का क्वेश्चन है, गट्टे खेलने के लिए कितने पत्थरों का उपयोग होता है, बचपन याद आ गया इसमें तो, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडोर खेल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल, क्योंकि लूडो और बिलियर्ड्स और कैरम हम इंडोर में खेल सकते हैं, लेकिन फुटबॉल नहीं खेल सकते। 71 नंबर का क्वेश्चन है, मनोरंजक गतिविधियों के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा अभ्यास नहीं है और गतिविधि करते समय इससे बचना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक प्राकृतिक खतरों के क्षेत्रों से बचना चाहिए। आगे बात करते हैं 72 नंबर के क्वेश्चन की, तो दिया हुआ है मनोरंजक गतिविधियां अक्सर आनंद या मनोरंजन के लिए की जाती हैं और इन्हें क्या माना जाता है, समय लेने वाला नहीं, नहीं सुस्त माना जाता, नहीं उबाऊ माना जाता, नहीं इन्हें मजा भरा माना जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नीचे दिए गए दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है। 73 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है, जो लकवाग्रस्त व्यक्ति अपने शरीर के अंगों को हिला नहीं सकता, कारण आर उन्होंने ताकत पैदा करने की क्षमता खो दी है। उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, दोनों ए और आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, दोनों ए और आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, तो इसका मुझे फ्रेंड्स ए लगता है, ए और आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बाकी देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या कहती है। 74 नंबर का क्वेश्चन दिया है, सुयोग्यता का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ होने की अवस्था और डैश है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि रोग से मुक्त। 75 नंबर का क्वेश्चन है, मोटापे का कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी वसा कोशिकाओं में भी वृद्धि और वसा कोशिकाओं के आकार में भी वृद्धि। 76 नंबर का क्वेश्चन है, शारीरिक शब्द शरीर की विशेषताओं को इंगित करता है, जैसे शक्ति गति स्वास्थ्य सभी यानी कि उपर्युक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा एक शिक्षा है शरीर और मन दोनों के लिए, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
आगे बात करते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अहमदाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता में किसके प्रमाण मिले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्नान गृह के। महाकाव्य है रामायण महाभारत, तो दोनों ही क्या है, महाकाव्य है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, वैदिक काल में लोग कैसे थे, तो वैदिक काल में लोग धार्मिक थे। आगे बात करते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन की, तो दिया हुआ वैदिक काल में सूर्य नमस्कार को क्या माना जाता था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, धार्मिक कार्य। 83 नंबर का क्वेश्चन है, मोटापा नियंत्रण प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फास्ट फूड खाना, क्योंकि फास्ट फूड से मोटापा नियंत्रण नहीं होता, अच्छे आहार लेने से और अच्छी जीवन शैली से मोटापा को हम नियंत्रित कर सकते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर में वसा की क्या उपयोगिता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में इसका जो है क्या होता है, उपयोगिता होता है। 85 क्वेश्चन में दिया हुआ है, डैश BMI से मापते, तो जो शरीर में वसा होती है हम उसे BMI से मापते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, BMI का फॉर्मूला यानी बॉडी मास इंडेक्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी जो वजन होता है उसे किग्रा में उसके अपॉन में ऊंचाई मेजर की जाती है, जो कि मीटर की स्क्वायर होती है। ओके आगे बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 87 नंबर का क्वेश्चन है, मोटापे का कारण क्या है, तो मुझे इसका करेक्ट आंसर लगता है डी, मतलब औषधि भी, और क्योंकि जो है कि मेडिसिन्स की वजह से बहुत लोग मोटे होते हैं, अधिक भोजन करने से भी और सामान्य कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग डी है। आगे देखते हैं, 88 नंबर का क्वेश्चन दिया, मोटापे से संबंधित स्वास्थ्य समस्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी हृदय रोग। 89 नंबर का क्वेश्चन है, योग सूत्र का संकलन किसने किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पतंजलि ने। 90 नंबर का क्वेश्चन है, योग शब्द की व्युत्पत्ति के लिए संस्कृत मूल क्रिया रूप कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युज, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का क्वेश्चन है, कपाल भाती अभ्यास का मुख्य चिकित्सकीय लाभ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वात पित्त विकारों को दूर करना। 92 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कार्टिसोल बढ़ाना। आगे देखते हैं, 93 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मुझे लगता है डी है, क्योंकि ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित करना। 94 नंबर का क्वेश्चन है, गिल्ली डंडा में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, फ्रेंड इसमें इवेन होती है, चार हो सकते हैं या चार से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो इवेन होनी चाहिए। 95 में देखते हैं, दिए हुए क्वेश्चन, पारंपरिक खेल मदद करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेदी कौशलों के विकास करने में। 96 नंबर का क्वेश्चन है, हॉप स्कॉच किस परंपरागत खेल का दूसरा नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी स्टापू। 97 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, तो दिया हुआ है, मनोरंजन खेल निम्नलिखित में से किस रोग के जोखिम को कम करते हैं, यानी कि वो मधुमेह को भी कम करते हैं, उच्च रक्तचाप को भी कम करते हैं और माइग्रेन को भी कम करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, खेल हमें रखते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या रखते हैं, फिट और सेहतमंद रखते हैं, ओके, बीमार तो बिल्कुल नहीं रखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। 99 नंबर का क्वेश्चन है, वे खेल जो हम ढके हुए क्षेत्र के अंदर खेलते हैं वो कहलाते हैं इंडोर गेम्स, ओके, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन है, आउटडोर खेले जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुले क्षेत्रों में हम आउटडोर गेम्स को खेलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मार्श आकुमरी यूनिवर्सिटी का BA 4 सेमेस्टर का को करिकुलर पेपर, जिसका नेम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस या इंग्लिश और हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो उसकी भी आंसर की यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, आप वो भी देख सकते हैं, BA का 4 सेमेस्टर का मार्श आकुमरी यूनिवर्सिटी का। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।